हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का BAMS फर्स्ट ईयर चैनल में स्वागत है। इसके प्रीवियस वीडियो में हम आयुर्वेद इतिहास स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। तो इथमोलॉजिकल डेरिवेशन ऑफ वर्ड इतिहास। तो इतिहास कैसे बनाए, तो इति प्लस ह प्लस आस से बनाए। इति का मतलब ऐसा, ह का मतलब है निश्चय और आस का मतलब है था। ये सब मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, मैं बस जस्ट रिविज़न करवा रही हूँ। फिर हमने निरुक्ति देखी थी कि इतिहास पुरावृत्तम, कि जो भूतकाल में हो चुका है उसे हम इतिहास कहते हैं। फिर हमने इतिहास की डेफिनेशन देखी थी, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पूर्ववृत्तम कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षते। हमने चतुर्विध पुरुषार्थ देखे थे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, उसके उपदेश जहाँ समन्वित है, जहाँ पूर्ववृत्तम मतलब कि भूतकाल की घटनाएँ और कथाएँ हैं, उसे हम इतिहास कहते हैं। ठीक है, फिर हमने नेसेसिटी देखी थी, नेसेसिटी ऑफ नॉलेज ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री जानना क्यों ज़रूरी है, तो किसी के भी कोई भी विषय के यथार्थ ज्ञान को समझने के लिए। क्रमिक विकास का ज्ञान हमें इतिहास से प्राप्त होता है। फिर हमने व्याधि के ज्ञान से हम यथार्थ निदान का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्र के यथार्थता का परीक्षण करने के लिए इतिहास जरूरी है। फिर हमने सिग्निफिकेंस एंड यूटिलिटी ऑफ हिस्ट्री देखा था, कि ज्ञान की निरंतरता को बनाए रखने के लिए हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट है। फिर हम ऐतिहासिक साहित्य के आधार पर अनुसंधान की नींव रखी जा सकती है। ठीक है, अनुसंधान का मतलब होता है खोज करना। फिर ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर ही क्लिष्ट सिद्धांतों को समझा जा सकता है। ये सब हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, मैंने बस एक बार सुपरफिशियली रिविज़न करवा दिया। आज का हमारा टॉपिक है मीन्स एंड मेथड्स ऑफ हिस्ट्री। मीन्स मीन्स साधन होता है, ठीक है, तो साधन क्या है और मेथड्स क्या हैं हिस्ट्री के, तो इतिहास के साधन। तो दो आपको ये पूरा टेबल याद रखना है, ठीक है, तो कुछ भी आ जाए आपको इसमें से बन जाएगा। इतिहास के साधन तो दो तरीके से है, एक है साहित्य संबंधी, एक है साहित्य संबंधी और दूसरा है पुरातत्व संबंधी, मतलब कि जो उत्खनन से प्राप्त होता है। ठीक है, इतिहास के दो तरह के साधन हैं, साहित्य संबंधी और पुरातत्व संबंधी। पुरातत्व मतलब कि उत्खनन से जो प्राप्त हो, तो कैसे हैं उत्खनन से प्राप्त होने वाले, तो शिलालेख हो गए, स्मारक हो गए और मुद्राएं। तो ये तरीके आपको इतना क्लासिफिकेशन याद रखना है कि इतिहास के साधन दो तरीके से हैं, साहित्य संबंधी पुरातत्व संबंधी। पुरातत्व संबंधी तीन तरह से मिल सकते हैं हमें, शिलालेख हो गए, स्मारक के रूप में हो गए, मुद्राएँ हो गई। ठीक है, फिर बात करें साहित्य संबंधी, तो साहित्य संबंधी को फर्दर दो तरह से डिवाइड किया गया है, यथार्थ साहित्य और प्रचलित साहित्य। यथार्थ साहित्य में आता है ब्राह्मण ग्रंथ और अब्राह्मण ग्रंथ, और जो प्रचलित साहित्य है उसमें आता है यात्रा विवरण और जीवन वृत्तांत। ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो ब्राह्मण ग्रंथ में दो चीज़ें आती हैं, श्रुति और स्मृति। मैं आपको बताऊंगी श्रुति क्या है, स्मृति क्या है, पर अभी आप ये याद रख लो कि ब्राह्मण ग्रंथ में आता है श्रुति और स्मृति, और जो अब्राह्मण ग्रंथ है उसमें आता है बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। ये सब हमें डिटेल में पढ़ना ही है, बस आपको ये भी टेबल याद रख लो, फिर टॉपिक वाइज मैं सब समझाती हूँ। फिर श्रुति, श्रुति मतलब जनरली जो ईश्वर की वाणी है उसे हम श्रुति बोलते हैं, और बाकी कुछ भी है उसे हम स्मृति बोलते हैं। तो श्रुति में क्या क्या आएगा, वेद, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। और स्मृति में क्या आएगा, रामायण, रामायण, महाभारत, पुराण और स्मृति। तो आपको ये पूरा टेबल याद रखना है कि मीन्स एंड मेथड ऑफ हिस्ट्री। तो इतिहास के दो तरह के साधन, साहित्य संबंधी, पुरातत्व संबंधी। पुरातत्व मतलब कि उत्खनन से जो प्राप्त होते हो, तो उसमें क्या आएगा, शिलालेख, स्मारक और मुद्राएं। फिर जो साहित्य संबंधी थे उसमें दो तरह से आते हैं, यथार्थ साहित्य और प्रचलित साहित्य। यथार्थ साहित्य को दो तरीके से डिवाइड किया गया है, ब्राह्मण साहित्य और अब्राह्मण साहित्य। प्रचलित साहित्य भी दो हैं, यात्रा विवरण और जीवंत वृत्तांत। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, जीवंत वृत्तांत मतलब किसी के जीवन के बारे में वर्णन हो, यात्रा विवरण मतलब कि कोई यात्रा के दरमियान कुछ उसे हासिल हुआ हो। ठीक है, ये हम वैसे तो पढ़ ही चुके हैं प्राइमरी में। फिर ब्राह्मण में आता है श्रुति और स्मृति,
और अब्राह्मण में आता है बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। श्रुति में आता है वेद, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। स्मृति में रामायण, महाभारत, पुराण और स्मृति। अब नेक्स्ट है श्रुति किसे बोलते हैं, मैं आपको बता चुकी थी, वही है इसमें कि ईश्वर की वाणी को, ईश्वर की वाणी का संबंध जिससे होता है उसे हम श्रुति कहते हैं, और स्मृति मतलब अन्य सभी को हम स्मृति कहते हैं। श्रुति के अंतर्गत चार वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि श्रुति मतलब कि ईश्वर की वाणी का संबंध जिससे है उसे श्रुति कहते हैं, स्मृति मतलब अन्य सभी को स्मृति कहते हैं। श्रुति के अंतर्गत चार वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद के भी चार भाग होते हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। आपको ये याद रखना है वेद के चार भाग हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। और स्मृति ग्रंथ तो हम देख ही चुके, स्मृति ग्रंथ में क्या क्या आता है, रामायण, महाभारत और पुराण। तो ये है हमारा आज का टॉपिक कि इतिहास के क्या साधन हैं, साहित्य संबंधी, पुरातत्व संबंधी। पुरातत्व मतलब जो उत्खनन के दरमियान मिलते हैं हमें, तो उसमें क्या क्या आता है, शिलालेख, स्मारक और मुद्राएं। साहित्य संबंधी दो तरह से, यथार्थ साहित्य, प्रचलित साहित्य। यथार्थ साहित्य में ब्राह्मण साहित्य, अब्राह्मण साहित्य। प्रचलित साहित्य में यात्रा विवरण, जीवन वृत्तांत। ब्राह्मण साहित्य में श्रुति, स्मृति। श्रुति में क्या क्या आएगा, तो वेद, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। स्मृति में क्या आएगा, तो रामायण, महाभारत, पुराण। फिर अब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो उसमें बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, ठीक है। फिर हमने देखा कि श्रुति क्या है, तो ईश्वर की वाणी का संबंध जिससे है उसे श्रुति कहते हैं। स्मृति अन्य सभी को स्मृति कहते हैं। श्रुति के अंतर्गत चार वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद के भी चार भाग हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। फिर स्मृति ग्रंथ में क्या क्या आता है, तो रामायण, महाभारत, पुराण, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, इसके बाद हम जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य देखेंगे। जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य कहाँ आता है आप देखेंगे तो अब्राह्मण ग्रंथ में। आपको ये पूरा टेबल याद रखना है, ठीक है। इसमें से अब हम क्या पढ़ चुके हैं, देखो इसमें से हम श्रुति स्मृति देख चुके हैं, श्रुति किसे बोलते हैं, स्मृति किसे कहते हैं, ठीक है। अब हम बौद्ध साहित्य देखेंगे और जैन साहित्य देखेंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।